तो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। और आज का सवाल है कि अगर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते तो वो क्या करते। देखो, तुम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो और जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाता हूं तो अपन एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करते हैं, फिर अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाई लाइमन में क्या होगा, बाल्मर में क्या होगा, पास्टन ब्रैकेट फंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और अपन ये सब करके खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन सर, अगर वो खुद जनाब एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे? क्योंकि मेरे को इसको रिलेट करना है कलर से, क्योंकि त्योहार रंगों का है। एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं अबाउट द फिजिक्स बिहाइंड द कलर्स। आज मैं ये बात डिस्कस करने वाला हूं कि अगर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते तो वो क्या कलर से कुछ इसको रिलेट कर पाते, पहली चीज। और दूसरी बात यह कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसके पीछे तो पूरी फिजिक्स घूम रही है, उसका कलर क्या होगा? क्योंकि जब कलर की बात छिड़ी चुकी है दोस्तों, और जब ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे आने जाने से ही कलर होता है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन से पूछ लिया जाए कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, क्यों दोस्तों? तो देखो, शुरू करें। इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन में है और फिर वो जब ट्रांजिशन करता है, अगर आपको याद है पिछले वीडियो से, तो मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, उसके लिए एक थ्योरी प्रपोज हुई थी जिसके जनक मैक्स प्लैंक को माना जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने को नील्स बोर ने दिया था। और उन्हें बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ लेवल में मिलता है, लेवल में मिलता है मतलब जैसे सीढ़ियां 1 2 3 4 5 6, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स रीजन में मिलेगा, और उस रीजन में जब तक रहेगा जब तक बाहर से कोई आके उसको हिलाए न, उसको बाहर से आके एक्साइट न करे। यानी अगर मैं एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहा तो इलेक्ट्रॉन जहां है वो वहां ही रहेगा, और नाम दे दिया गया इसको स्टेशनरी स्टेट। अब सवाल का जवाब ढूंढना है अगर मुझे कि इलेक्ट्रॉन का रंग कैसा होता है, तो मुझे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ना होगा। अब मैं एक अकेले इलेक्ट्रॉन को कहां से लाऊं? इलेक्ट्रॉन मुझे मिलता है एटम के अंदर, लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अकेला अपने आप में इंडिविजुअल नहीं है, वो बंधा हुआ है। यानी उसका जो नेचर है वो खुद का नेचर नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से बाउंड है, बाइंड है। तभी एक वर्ड आती है बाइंडिंग एनर्जी, एक वर्ड आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इंपैक्ट को छोड़ के बाहर निकल जाए, सोडियम से Na+ बन जाए, लिथियम से Li+ बन जाए, पोटेशियम से K+ बन जाए। अब दोस्तों बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन का कलर ढूंढोगे कैसे। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है और अलग अलग लेवल पे कूदता है तो मुझे पता है, क्योंकि एक से दूसरे लेवल पे जाएगा, दूसरे से तीसरे लेवल पे जाएगा, और जब वहां से नीचे आएगा तो मुझे रंग देगा। पिछले वीडियो में देखा, नाम दे दिया अपन ने उसको स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम तो अपन मन लगा के, एकदम चित्त लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि JEE में आता है, नीट में आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। लेकिन मुझे एक अकेला इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से लाएं? एक अकेले इलेक्ट्रॉन को ले भी आए अगर, तो वो तो इतना छोटा है कि अगर उस पर मैं रेडिएशन डालूंगा तो मेरे को कुछ दिखना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलना। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने रोशनी डाली और उसने रोशनी को रिफ्लेक्ट भी कर दिया, लेकिन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन कितनी रोशनी रिफ्लेक्ट कर पाएगा कि मैं उसको देख भी पाऊं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज को देखना है तो मुझे उस पर रोशनी डालनी पड़ेगी, और जब मैं उस पर रोशनी डालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि उसका रंग कैसा है। तो मेरे को चाहिए खूब सारे इलेक्ट्रॉन, कहां से लाएं खूब सारे इलेक्ट्रॉन? तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन लाने के लिए मेरे पास एक हैक है, मेरे पास एक टेढ़ा तरीका है, क्योंकि अब घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी तो उंगली करनी पड़ेगी। क्या करा मैंने? मैंने लिया एक मेटल का ब्लॉक। मेटल का जो ब्लॉक है दोस्तों, उसके अंदर अपन छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, भी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सवाल आता है क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मूव कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? जो मेटल है, मेटल कौन है भाई? एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे जो मेटल हैं अपने पास, इनके जो ब्लॉक हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। कहते हैं भाई कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, राइट? तो ये जो मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कैसे कर रहे हैं? अगर मैं कॉपर एटम को देखूं तो उसके तो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके न्यूक्लियस से बंधे हुए होंगे ना, फ्री मूव कहां कर रहे हैं? तो होता ही है दोस्तों कि जब खूब सारे एटम्स पास में आते हैं तो जो बाहर बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो न्यूक्लियस से थोड़े दूर हैं, जिनके लिए वर्ड यूज होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वो एक अलग ग्रुप में बंधे चले जाते हैं। यानी अब जो ग्रुप बनता है वो ऐसा बनता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं
जो कि न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी की पोजीशन है, कुछ ऐसे बैंड अवेलेबल हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग बैंड में आ गए, वो फ्री हैं। फ्री है मतलब वो सब एक जैसे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के नहीं है। इसीलिए तो अपने जूनियर क्लासेस में एक वर्ड पढ़ा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अकेले किसी कॉपर का नहीं है, एक इस एटम का या उस एटम का नहीं है, वो अब एक समुद्र है इलेक्ट्रॉन का। तो वो जो समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, उसमें अगर मैं लहर जनरेट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लहर जनरेट करने के लिए मैं उसको बैटरी से लगा देता हूं और करंट मिल जाता है। अब सवाल ये आता है, ये सब तो समझ में आ गया, इससे कलर कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, जो मेटल का ब्लॉक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो उस बैंड में आ गए, जिसको मैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता हूं, वहां पे मैं 98-99% एक्यूरेसी से अजम्पशन ले सकता हूं कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एकदम आइसोलेटेड है, ये एकदम अलग है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। यानी अब मेरे को एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, आई एम हैविंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनको मैं मान सकता हूं कि ये सब फ्री हैं, यानी ये अब किसी के और के इन्फ्लुएंस में नहीं है। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब मैं उस पर रोशनी डालूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा रोशनी और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो इट वॉज ऑब्जर्व दोस्तों कि अगर मेरे पास एक वेरी फाइन पॉलिश्ड मेटल का सरफेस है और उसमें मैं रोशनी डालूंगा तो वैसी कैसी पूरी की पूरी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा। मेरे को पता तुम यहाँ पे एक सवाल सोच रहे होगे कि सर कल तो आप बता रहे थे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एक में येलो टिंट है, एक में नहीं है। दोस्तों बात यह है कि जो गोल्ड में येलो टिंट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि गोल्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं नीले वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो सिर्फ पीले और लाल को छोड़ते हैं। अब पीले और लाल को अगर वो सिर्फ छोड़ेंगे तो वही येलो टिंट ही दिखाएंगे क्योंकि वही वापस मेरे को मिल रहा है। लेकिन मोस्टली इन द केस अगर वेरी फाइन पॉलिश्ड मेटल सरफेस है, मिरर फिनिश कहते हैं जिसको, तो उसमें यह होगा कि लाइट गिरेगी और ऐसी कैसी आपको वापस मिलेगी। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई कलर नहीं है। अगर कोई कलर है तो वो उस इलेक्ट्रॉन का नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और एब्जॉर्ब करके वो ऊपर चला गया, ऊपर से जब वापस नीचे उतरा तो उसने रंग छोड़ दिया। लेकिन इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन सर से क्या लेना देना? दोस्तों बात यह है कि जब तक ये सारी बातें अपन देख रहे हैं तो यहां पे अपन एक बात कर रहे हैं कि मैंने एनर्जी दी, एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गया तो वहां से जब नीचे आएगा तो वो मेरे को रेडिएशन देगा जो कि कलर के फॉर्म में दिखता है, जैसे कि अपने जो एमराल्ड, रूबी, यही हीरा, पन्ना, ये जो सारे हैं इनके जो रंग दिखते हैं, ये सब अपनी केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहां पे जो फिनोमेना हो रहा है उसका नाम दिया जाता है डी ट्रांजिशन। तो जो जेई या नीट वाले बच्चे हैं, जो 11th 12th केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, समझ पाएंगे कि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे होने से मेरे को वो रंग मिल रहा है। यानी यहां भी इलेक्ट्रॉन का ही ऊपर नीचे होना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने क्या बोला कि भाई एक और पोस्टुलेट करी जा सकती है यहां पे, वो ये है कि अगर ऑलरेडी खूब सारे एटम्स हैं और सब एक्साइटेड स्टेट में हैं, यानी सबके जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े ऑलरेडी एनर्जी लेके ऊपर बैठे हुए हैं, अब अगर मैं एक फोटोन को फेंकता हूं जिसकी परफेक्ट वेवलेंथ है तो वो उन सब एक्साइटेड एटम्स को एक साथ ग्राउंड लेवल पे ले आएगा। यानी ऐसा होगा कि मान लो पूरी दुनिया के सारे बच्चों को मैंने पहली सीढ़ी पे खड़ा कर दिया और जैसे ही मैंने सीटी मारी सारे बच्चे एक साथ नीचे कूदे। जब सारे बच्चे एक साथ नीचे कूदेंगे तो आवाज तो आएगी। तो वैसा यहां पे होता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नीचे गिरेंगे एटम के अंदर और एटम ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी तो छोड़ेगा। अब वो जो एनर्जी छोड़ेगा उसमें जो फोटोन निकलेगा वो फोटोन एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा फोटोन मैंने यूज किया है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने प्रपोज किया कि फोटोन यही चाहता है कि वो एक जैसा रहे जैसा एक फोटोन आ रहा है, और उसको नाम दे दिया उन्होंने स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो दोस्तों दो वर्ड उस वक्त बड़े फेमस हो गए थे, एक था स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और फिर अपने आप नीचे आ गया और रेडिएशन छोड़ दिया, जो कि आज तक और पिछले वीडियो तक अपन सुन रहे थे। आज के वीडियो में मैंने एक नया वर्ड यूज किया जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया था, वो है स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बात है 1917 की, क्योंकि उन्हें अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह सब दे दी थी, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, पूरी दुनिया जहान के लिए फिजिक्स को बदल दिया था, अब कुछ नया तो करना था ना, तो वो इस फील्ड में घुस गए और क्वांटम फिजिक्स को काफी डेवलप करने लग गए थे। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी बात यह है उस वक्त ये जो थ्योरी आई थी इसको अप्रिशिएट तो सबने किया,
स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की थ्योरी को सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन एग्जैक्टली वो काम कहां आ रही है ये कोई नहीं बता पाया। इट टुक सम 20-25 ईयर्स, 1940 के दशक में कुछ रिसर्चर्स ने जब काम करना चालू किया इस पर्टिकुलर चीज पे, देन दे फाउंड आउट कि यार ये वो चीज है जो कि हमको लेजर देगी। बिकॉज दोस्तों लेजर जो है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे अपने एक्सप्लोर किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, और अपन ने जाना कि अगर कोई ब्राइट माइंड किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व होता है तो कुछ नया ही देखे जाता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना।